करा देंगे आज जी। है ना सर? मुदस्सिर सर को 5 साल के बच्चों का कपड़े दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलता हूँ जनाब। मौलाना कल से जरा जल्दी आइए, रमजान का सीजन शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह बोलकर गए हैं, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। आप ये रोज कुरान पढ़वाते? जी हाँ, दुकान की खैर बरकत के लिए। अच्छा, दुकान आपकी है तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? नहीं, अगर मौलाना साहब पढ़ते हैं तो क्या गलत हो गया भाई? हाँ, लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाएं जी और दवाई मौलाना साहब खाएं जी तो चलेगा? मैं आपकी बात समझा नहीं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज मौलाना से क्यों करवा रहे हैं? सही कह रहा हूँ ना मैं? अभी रमजान शुरू हुआ कि नहीं, आपके मसले मसाइल शुरू हो गए हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, मुझे अरबी पढ़ना ठीक से नहीं आता। तो सीख लीजिए। सहाबा इकराम ने ज़ईफ़ी में भी कुरान पढ़ना सीखा था। आप तो फिर भी माशाल्लाह जान जवान है। जैसा कि आपने कारोबार के लिए लिखना पढ़ना सीखा है तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कुरान सीखना जरूरी है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।